विश्व विख्यात विश्व प्रसिद्ध ओपी शर्मा, जिनका नाम मेरे मुंह से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने देश नहीं विदेशों में अपना परचम लहराया है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार, जिन्हें कह सकते हैं ओपी शर्मा, जादूगर। जी हाँ दोस्तों, सर मैं सबसे पहले आपका महानगर टाइम्स में स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। दूसरा मैं सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जादू जिसे लोग बड़े तसल्ली से देखते हैं, ये जादू हकीकत में है क्या? ये जादू है या कोई तंत्र विद्या है, तंत्र साधना है, किस तरीके की चीज़ है? सबसे पहले देखिए, जादू कला जो है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, और बहुत ढेर सारा अभ्यास के बाद इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और जहाँ तक बात है तंत्र मंत्र की, देखिए जादू का इससे कोई लेना देना नहीं है। जादू एक मनोरंजन के उद्देश्य से ये विद्या डेवलप की गई है, और हमारा आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना भी है कि जादू को हमेशा आप मनोरंजन के रूप में लीजिए, कभी भी इसको तंत्र मंत्र या दैविक शक्ति या सिद्धि के उसमें चमत्कार के रूप में बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब भी आप इसको चमत्कार मानेंगे आप पक्का कहीं ना कहीं किसी रूप में आप ठगे जाएंगे। तो इसलिए जादू की बात जब भी हो तो इसको हमेशा एक मनोरंजन की कला के रूप में ही देखें। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जादू जो आज के 20 साल पहले हुआ करता था और जो भीड़ हुआ करती थी, आज आपको नहीं लगता कि वो भीड़ आज इतनी नहीं है, देखने को नहीं मिलती है? क्या फ़र्क आया है आज के 20 साल में और आज के अंदर? नहीं, भीड़ तो अभी भी है जादू में, लेकिन उन्हीं शोज में है जिन्होंने समय के साथ अपने शो को मॉडिफाई किया, और लोगों की जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, जो टेस्ट है, जो नया कल्चर डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से जिन्होंने अपने शो को मॉडिफाई किया, उन लोगों के शो में आज भी भीड़ है, दर्शक लगातार मिल रहे हैं और जादू को लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने काफ़ी समय पहले, करीबन आज के 15 साल पहले, किताबों में पढ़ा था या कहीं सुना था कि आपका हैदराबाद में भूत बंगले नाम से एक बंगला है। जी हैदराबाद नहीं, कानपुर। कानपुर जी, कानपुर में हमारा जो निवास और मुख्यालय है तो उसका नाम है भूत बंगला, और बना भी भूत बंगले की तरीके से है। 92 में बन के ये तैयार हुआ था, लगभग 3 सालों में, और ये शुरू से ही जब से बना है लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, तो लगातार लोग वहाँ पहुँचते रहते हैं उसको देखने के लिए जिज्ञासा के साथ में। बताया जाता है भूत बंगले की एक जो जिस तरीके से बनावट है, जिस तरीके से उसका अंदर का इंटरनल है, वो इस तरीके से बनाया गया कि कोई एक बार घुस जाए अंदर तो दोबारा वो बाहर नहीं निकल सकता? हाँ, ये इस तरह की चर्चाएं ज़रूर हैं, लेकिन एक्चुअली जो उसका जो बनाने का उद्देश्य है, हम लोगों ने वहाँ म्यूज़ियम बनाया हुआ है, जादू से जुड़ी हुई बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा लिटरेचर और उससे जुड़ी कई चीज़ें वहाँ इकट्ठी की गई हैं, तो वो हमारा बहुत सारी चीज़ें वहाँ, जैसे म्यूज़ियम है, मैजिक से जुड़ी हुई लाइब्रेरी है, हमारा रिसर्च सेंटर है वहाँ पर, और मुख्यालय है, पूरा जो ऑफिशियल स्टाफ है वो सब वहाँ बैठता है। इसके अलावा वो 3 मंजिला इमारत है जिसमें ये सारी चीज़ें पहली मंजिल में, और दूसरी मंजिल में हमारा निवास है। दूसरा, आप जिस तरीके से बताए जादू एक कला है जी, हाथ की सफाई भी कह सकते हैं इसे, ना कि तंत्र साधना? नहीं, हाथ की सफाई तो ये एक पार्ट है मैजिक का, इसको इंग्लिश में स्किल ऑफ हैंड्स कहते हैं। बहुत सारे मैजिक में अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग जो शोज करते हैं ये इल्यूज़न बेस्ड शो है, जिसको हिंदी में दृष्टि भ्रम कहते हैं, और इल्यूज़न बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को तैयार करके इल्यूज़न क्रिएट किया जाता है जी। तो हम लोग जो शो करते हैं वो इल्यूज़न बेस्ड शो है। इसके अलावा जिसकी आपने बात की कि हाथ की सफाई, उसको एक्चुअली स्किल ऑफ हैंड्स बोलते हैं मैजिक की भाषा में, और उसमें जो हैंड मैनिपुलेशन है, जैसे ताश के पत्ते के आइटम होते हैं, सिक्कों के आइटम होते हैं, कि आपके हाथ से कोई चीज़ ली, हाथ से गायब कर दी, फिर हाथ में अपीयर कर दी, इस तरह की चीज़ें स्किल ऑफ हैंड, जिसको हाथ की सफाई भी कहा जाता है, ये वो क्षेत्र है। इसके अलावा एक नई जादू के मैं
अब ज़्यादा पॉपुलर हो गई है तो जादू में शुरू से ही मेंटलिज्म, जिसमें दूर से ही सामने वाले को माइंड रीडिंग बोलते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसको बताया जाता है जी। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अभी की जो जनरेशन है, आज के 20 साल पहले की जो जनरेशन थी उसमें और आज में काफ़ी बदलाव है, और बदलाव होना भी चाहिए, मगर जिस तरीके का जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझता हूँ, आप नई जनरेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, जैसे जैसे समय बदला है, तकनीकियाँ बदली हैं, बहुत सारी टेक्निकल अवेलेबिलिटीज़ आ गई हैं, इंटरनेट इतना फास्ट इंटरनेट आ गया है, यूट्यूब, गूगल और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा आज सोसाइटी में हावी है, लोग बहुत सारा टाइम इसके साथ स्पेंड करते हैं। उसके बावजूद भी मैजिक एक लाइव शो है और अभी भी अपनी लोगों के अंदर जिज्ञासा को पैदा किए हुए है और लगातार दर्शक आ रहे हैं जी। सर लगातार आपने काफ़ी समय से, आपके फादर थे ओपी शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे शो किए, बहुत सारे शो किए हैं जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध, विश्व विख्यात हुए, उसके बाद आपने वो चीज़ उनका, मतलब कह सकते हैं कि उनकी पगड़ी या दामन कह सकते थामा, और आज आप फेमस हो रहे हैं, जिस तरीके से जादू को लेकर लोगों में, नई जनरेशन में प्रेरित कर रहे हैं आप, उसके लिए समाज को एक नई दिशा भी दे रहे हैं जादू के जरिए, जिस तरीके से जी हमारा, देखिए हमारे शो का दो ही मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ मनोरंजन पहला, दूसरा समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना, जो जादू से बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज के अंदर कि कोई अपनी शक्ति से किसी का कोई चीज़ ठीक कर सकता है, किसी के कुछ बदल सकता है, तो ये जो अंधविश्वास है इसको दूर करने का हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानें और समझें कि जादू जो है एक मनोरंजन कला है, इसके अलावा कुछ नहीं जी। ये थे हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात ओपी शर्मा जादूगर जी। हाँ दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बताया कि मनोरंजन जिसे कहते हैं जादू, जादू को एक मनोरंजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे जीवन को सफल भी बनाती है, क्योंकि कला मोहताज नहीं होती किसी भी चीज़ की, अगर कला देखी जाए तो हर इंसान के अंदर होती है, मगर प्रतिभा को हर कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये काम जो कर दिखाया है ओपी शर्मा जी ने, जी बिल्कुल, इन्होंने जिस तरीके से विश्व में, देश में ख्याति प्राप्त की है, ये आज देखने को मिलती है। लगातार देखते रहें महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ जयपुर।